आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है। इस दो पेयर को हम लोग को लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे लाना है, लाने के बाद इसको सॉल्व करना है। इसीलिए क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये अभी तक लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे लाना है, इसलिए बोल रहा है कि रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नीचे जो दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे लाके उसको सॉल्व करना है। गाइस, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर वन है। ये क्वेश्चन नंबर वन का हम लोग बीट वन कर चुके हैं, बीट टू कर चुके हैं, बीट थ्री भी कर चुके हैं और बीट फोर भी कर चुके हैं। अगर गाइस ये चारों क्वेश्चन आपको देखना है तो आप जाके मेरा वीडियोस चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग ये बिट फाइव क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग कितना इजीली, कितना आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है या इक्वेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर इक्वेशन है 7x - 2y / xy = 5 और एक है 8x + 7y / xy = 15। इसी तरह से ये दो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसका कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो जो इक्वेशन में दिया गया है इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। क्या क्या है यहाँ पर, एक है 7x - 2y - 2y / xy = 5 और दूसरा है 8x + 7y, वो उसको भी हम लोग लिख लेंगे अभी। 8x + 7y + 7y / xy = 15 ये भी एक दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे लाना है। मगर गाइस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट जनरली कैसे होता है। तो लीनियर इक्वेशन जनरली कैसे होता है, ये फॉर्मेट में होता है, ax + by + c = 0। ये यहाँ पर प्लस और माइनस सी हो सकता है, = 0 है। नहीं तो ये ऐसा भी कभी कभी होता है, ax + by = ±c। कैसे हो गया, यहाँ पर जो प्लस सी है, अगर ये प्लस सी को मैं राइट साइड की तरफ मूव करूंगा तो यहाँ पर ये माइनस सी हो जाएगा। अगर ये माइनस सी को मैं राइट साइड की तरफ मूव करूंगा तो प्लस सी हो जाएगा। तो यही इक्वेशन से हमें ये दो इक्वेशन मिल रहा है। कहीं पे भी क्वेश्चन ये दो इक्वेशन किसी भी तरह से दे सकता है। तो इसीलिए जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे नहीं है, हमें ये दोनों में से किसी भी एक फॉर्म को ला के सॉल्व करना है। तो गाइस क्या है यहाँ पर अभी, 7x - 2y / xy = 5। ये एक इक्वेशन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो 7x - 2y है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 7x - 2y / xy जो है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, 7x by xy - 2y by xy। अगर गाइस मैं इसको ऐसा लिखूं, कुछ गलत होगा? यह गलत नहीं होगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अगला चरण, इसका अगला ही होगा 7x - 2, अगला स्टेप ही होगा 7x - 2y / xy। तो ये इक्वेशन से मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन से मैं ये स्टेप को लिख दिया, 7x by xy - 2y by xy = 5। ये मैंने अभी लिखा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो 7x है और यहाँ पर x है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2y जो y है और ये y है कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर हम लोग को क्या मिलेगा, और 7x - 2x = 5 = 5। ये एक मिला हमें, क्या मिला, 7y - 2x = 5 मिला। अभी गाइस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को फिर से मैं इसको ये फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। गाइस ये बहुत इजी है,
मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सॉल्व बोले तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो 7 by y है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 into 1 by y लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 2 by x जो है 2 into 1 by x भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 5। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जस्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और मैं इसको, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही लिख के, नहीं तो और एक स्टेप में जस्ट 7, ये जो मल्टीप्लीकेशन सिंबल उसको निकाल के मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी ठीक वैसे ही करता हूँ, 2 into 1 by x इज इक्वल टू 5। गाइज यहाँ तक हम लोगों का एक इक्वेशन हो गया। मैं इसको एक इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बोल के नाम दे देता हूँ। ये अभी तक लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं आया, ये अभी इक्वेशन नंबर 1 आ गया। पहला लीनियर इक्वेशन से ये हमें हमें अभी इक्वेशन नंबर 1 मिला है। ठीक उसी तरह से मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा, दूसरा लीनियर इक्वेशन जो है अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? जो दूसरा लीनियर इक्वेशन था, अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 8 1 by y, 8 1 by y प्लस 7 1 by x, 7 1 by x इज इक्वल टू 15। ये मुझे लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिला। ये मुझे कैसे मिला? जैसे कि मैं इक्वेशन नंबर 1 तक आया सॉल्व करके पहला इक्वेशन को, ठीक उसी तरह से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आप लोग पहुंच जाएंगे। ये अपना कोशिश करके इसको कर लीजिए, ये बिल्कुल इजी है। मेरा स्टेप को फॉलो करके यहाँ तक आप लोग पहुंच सकते हैं। तो अभी हमें 2 इक्वेशंस मिल गया है, अभी तक ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे नहीं आया है, तो हमें लाना है। तो इसको लाने के लिए हम लोग थोड़ा एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? लेट पी इज इक्वल टू 1 by y एंड Q इज इक्वल टू 1 by x। गाइज मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्या एज्यूम कर रहा हूँ? 1 by y को P डाल रहा हूँ और 1 by x को Q ले रहा हूँ। ये दोनों को मैं P एंड Q पे एज्यूम करके इस तरह से मैं ले रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसा एज्यूम करूँ तो इक्वेशन 1 और 2 मेरा अभी क्या हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 विल बिकम क्या हो जाएगा अगर हम लोग एज्यूम कर लेंगे ऐसा। देखिए इक्वेशन 1 को मैं लिख सकता हूँ, मेरा इक्वेशन 1 क्या था? 7 1 by y, 1 by y के जगह पे मैं P लिख लेता हूँ, माइनस 2 1 by x के जगह मैं Q लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 5। जस्ट 1 by y और 1 by x को मैं ऊपर जो एज्यूम किया उसी के वैल्यू पे रिप्लेस कर दिया। 1 by y को मैं P रिप्लेस कर दिया, 1 by x को Q रिप्लेस कर दिया। अभी मेरा ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के ले लेता हूँ। सिमिलरली ठीक वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 जो है, मैं इसको लिख सकता हूँ 8P प्लस 7Q इज इक्वल टू 15। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। गाइस हमें 2 इक्वेशन मिला। अभी अगर आप लोग ये दोनों इक्वेशन देखेंगे तो ये मेरा हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों का अभी लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया। क्यों, कैसे आया? देखिए मैं जैसे बोला था ax प्लस by इज इक्वल टू प्लस और माइनस c, ये फॉर्मेट में आ गया। ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट है, अभी ये फॉर्मेट में आ गया। अभी से हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो मुझे लीनियर इक्वेशन 3 और 4 मिला है। अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। गाइस मैं इसको, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर 3 मेथड है अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लगा है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं जो मुझे मेथड अच्छा लगे और इजी लगे इसी को लेके मैं अभी सॉल्व करता हूँ। आप लोगों को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लेना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, आप लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा है कि हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, जस्ट कौन सा भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको एलिमिनेशन मेथड लेके सॉल्व कर रहा हूँ। मैं अभी एलिमिनेशन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए, जैसे कि हमें पता है किसी भी एक वेरिएबल, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक है पी और क्यू। एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे?
अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, या मानो मैं पी को एलिमिनेट करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पी पी को अगर एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर 7p है और यहाँ पर 8p है। ये दोनों का अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ, 8 7 जा 56, 7 8 into 8 = 56 आ रहा है। अगर मैं 7p के साथ 8 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 56p आ जाएगा, और 8p के साथ अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे भी 56 आ जाएगा। इसी तरह से कॉमन फिगर आ जाएगा, हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक वही करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को लिखना है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर स्टेप वन लिखता हूँ। स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए, इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 8 एंड इक्वेशन 4 बाय 7। चलिए वही करते हैं। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 7p माइनस 2q = 5, ये इक्वेशन नंबर 3 है। जैसे कि मैं बोला इसको मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 7p माइनस 2q, अगर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। जो भी हमें करना है दोनों के तरफ हमें करना है। तो जैसे कि मैं बोला मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 8, तो मैं ये 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा हमें, और 8 7 जा 56 56p माइनस 16q = 40, ये हमें मिला यहाँ तक। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल के नाम दे देता हूँ। तो क्या मिला, 56p माइनस 16q = 40। फिर ठीक उसी तरह से हम लोग अभी इक्वेशन नंबर 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, 8p प्लस 7q = 15, और मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 into 8p प्लस 7q = 7 into 15। दोनों के साइड पे मैं 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर से। इसको जब मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और 8 7 जा 56 56p प्लस 49q = 105। ये मुझे इक्वेशन नंबर 6 बोल के मैं इसको भी नाम दे देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पर 56p कॉमन है। अगर हम लोग एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो p वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर जो बड़ा इक्वेशन है, बड़ा इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा इक्वेशन बड़ा है, अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 6 देखेंगे तो हमें क्या मिला है, = 105 है, और इक्वेशन नंबर 5 देखेंगे तो = 40 मिला है। तो डेफिनेटली 105 बड़ा है, तो इसीलिए मैं इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो चलिए स्टेप टू में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मैं एलिमिनेट कर सकूं। स्टेप टू, जैसे कि मैं बोला इक्वेशन नंबर 6 बड़ा है और इक्वेशन नंबर 5 छोटा है, मैं बड़े इक्वेशन से छोटा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो जो बड़ा इक्वेशन है उसको हम लोग अभी पहले लिखेंगे। तो बड़ा इक्वेशन यहां पर क्या है, 56p plus 49q = 105, और मैं सब्ट्रैक्ट इससे करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, 56p minus 16q = 40। ये इक्वेशन नंबर अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे तो भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन ठीक ऐसा ही है। 52nd इक्वेशन है 56, जो इक्वेशन नंबर 5 है, 56p minus 16q = 40। और जैसे कि मैं बोला था हम लोग अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो
कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पता है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 56 था, मैं नीचे माइनस सिंबल दे दिया, ये माइनस 16 क्यू था, मैं नीचे प्लस सिंबल दे दिया, और राइट साइड प्लस 40 था, मैं इसको माइनस 40 बोल के दे दिया। अगर आप देखेंगे 56p माइनस 56p ये कैंसिल हो गया, 49q प्लस 16q हमें मिल रहा है 65q, और 105 माइनस 40 हमें मिल रहा है 65। तो हमें इस तरह से मिला 65q इज इक्वल टू 65। और इसको मैं आगे थोड़ा सॉल्व करूंगा या सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, और q इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 65। ये कैसे हुआ, यहां पर जो 65 क्यू के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है लेफ्ट साइड पे, मैं उसको जब राइट साइड मूव किया वो डिवाइड हो गया 65 के साथ, तो हमें मिला q इज इक्वल टू 65 बाय 65 और q इज इक्वल टू 1। तो गाइस हमें q का वैल्यू पता चल गया है, तो q का वैल्यू क्या मिला, q इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे, एक वेरिएबल का वैल्यू तो हमें मिल गया है, अभी स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कौन से भी इक्वेशन में जहां पर p एंड q है, ये q का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे, यहां पर जो q का वैल्यू मिला उसको डाल देंगे। तो मैं अभी वही करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3, मैं इक्वेशन 3 पे डाल देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवव q, द वैल्यू ऑफ एवव q इन इक्वेशन थ्री हमें क्या मिला था, एक बार इक्वेशन थ्री चाहे तो हम लोग चेक कर सकते हैं। इक्वेशन थ्री पे हम लोग क्या लिए थे, ये इक्वेशन फोर आ गया, या इक्वेशन थ्री देखिए, अगर आप लोग इक्वेशन थ्री देखेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन थ्री है, इक्वेशन थ्री में हमें मिला है 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। जस्ट यहाँ पे q के जगह पर मैं 1 रिप्लेस कर दूंगा, तो चलिए वही करेंगे अभी हम लोग, जैसे कि लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवव क्यू इन इक्वेशन थ्री, तो क्यू का वैल्यू क्या मिला है, 1 मिला है, और इक्वेशन थ्री क्या है, 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। और मैं लिख सकता हूँ 7p माइनस 2 इंटू 1, क्यू के जगह पे मैं 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 5, और 7p माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और 7p इज इक्वल टू 5 प्लस 2। यहाँ पर जो माइनस 2 था मैं उसको राइट साइड को जब मूव किया वो पॉजिटिव होके चला गया, तो इसलिए मिला प्लस 2। तो इसको लिख सकता हूँ 7p इज इक्वल टू 7, और इसको मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू, और p इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर जो 7p के साथ मल्टीप्लाई होके था, जब मैं उसको राइट साइड को मूव किया ये डिवाइड हो गया 7 के साथ, और p इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर गाइस मुझे p का वैल्यू भी 1 मिला, q का वैल्यू 1 मिला था, p का वैल्यू भी 1 मिला है। तो अभी हम लोग गाइस फाइनल स्टेप के तरफ बढ़ेंगे, तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फाइनल स्टेप। हमें p और q का वैल्यू मिल गया है, तो फाइनल स्टेप पे मैं लिखूंगा रिप्लेसिंग बैक द वैल्यूज ऑफ the values of p and q। देखिए क्या करते हैं हम लोग रिप्लेसिंग बैक द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अगर आप लोग देखेंगे मेरा वीडियो को रिवर्स करके भी देखेंगे या आपको याद रहेगा तो आप देख सकते हैं, इनिशियली हम लोग क्या एज्यूम किए थे, इनिशियली हम लोग एज्यूम किए थे p इज इक्वल टू 1 बाई y एंड q इज इक्वल टू 1 बाई x, यही तो हम लोग एज्यूम किए थे। तो अभी p एंड q का वैल्यू हमें मिल गया है, तो मैं अभी वो डाल देता हूँ, p का वैल्यू 1 मिला है और q का वैल्यू भी 1 मिला है, तो हमें मिला है p इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू 1। अगर आप लोग देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमें मिला है।
तो p के जगह पर मैं लिख दूंगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। और इसको अगर मैं और थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू वाई और 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। नहीं तो फाइनली मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। गाइस हमें x एंड y का वैल्यू पता चल गया है। हम लोग जब ये लिनियर इक्वेशंस को जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया था उसको जब हम लोग सॉल्व किए लिनियर इक्वेशन फॉर्म के फॉर्मेट पे लाके हमें मिला x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 मिला है। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, नहीं तो आप लोग इसको आसानी से आराम से बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।